पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर जश्न ईद मिलादुन्नबी धूमधाम से मनाया गया। शहर से लेकर कस्बाई क्षेत्र में जुलूस निकाला गया, जिसमें सुन्नी मुसलमान शामिल हुए। जुलूस में हिंदू मुस्लिम सौहार्द भी दिखा। शहर को झालरों व रंग बिरंगी रोशनियों से सजाया गया था। शान से जुलूस मोहम्मदी निकाला गया। जगह जगह पर लंगर लगे, जिस पर लोगों ने लुत्फ़ उठाया। चौक में शिया मुसलमानों ने भी लंगर लगाया। बारह वफात का जुलूस गुलाबबाड़ी से उठाया गया, जो कोठापाचा में रुका। यहाँ से चौक रिकाबगंज, कसाबबाड़ा, फतेहगंज होता हुआ कोठापाचा पर समाप्त हुआ। शहर के पेश इमाम मौलाना शमसुल कमर कादगी ने जुलूस का नेतृत्व किया। टाट साह कमेटी के वरिष्ठ पदाधिकारी समाजसेवी गुलाम सिद्दीकी ने व्यवस्थाओं को मुकम्मल कराने के अपना अहम योगदान अपनी टीम के साथ दिया। पार्षद प्रतिनिधि और पूर्व प्रधान शाहजहाँपुर मंसूर प्रधान, मोहम्मद सलीम अंसारी, पार्षद चंद्रगुप्त नगर मोहम्मद इमरान अंसारी, मौलाना फैजल हाजमी, आफाक अहमद, मोहम्मद इस्लाम सिद्दीकी, युवा समाज सेवी उज्मी सिद्दीकी, पूर्व राज्य मंत्री तेज नारायण पांडे, शादाब खान, फ्लावर नकवी, मास्टर शरीफ मोहम्मद, सोहेल सईद नूर मोहम्मद के अलावा बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। इस मौके पर प्रशासन द्वारा सुरक्षा के काफी कड़े। आज हम लोग अपने आखिरी पैगंबर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत मना रहे हैं, जिसको फैजाबाद और कोर्बो जवार के लाखों मुसलमान इसमें शिरकत करते हैं। और ये लगभग 50-60 वर्षों से इस जुलूस और जलसे का आयोजन किया जा रहा है। दोनों त्यौहार बड़ा कितनी सद्भावना से आप लोग त्यौहार को मना रहे हैं एक साथ? देखिए भाई, ये तो दोनों त्यौहार में हम लोगों की बराबर शिरकत और साझेदारी होती है। हम लोग आपस के तालमेल से हमारे प्रशासन और दूसरी जो हमारे बिरादरत वतन दुर्गा पूजा समिति, हम लोगों के आपस के तालमेल से हम लोगों ने बहुत अच्छे माहौल में जी हम लोगों ने आपस में भी बैठकर और प्रशासन के भी साथ बैठकर कुछ चीज़ों पर एक मत करके और आपस में सौहार्दपूर्वक दोनों लोगों का त्यौहार बीत जाए, यही हम बहुत कामना करते हैं। मोहम्मद वसीम। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर मरकजी अंजुमन तबलीग अहले सुन्नत अयोध्या फैज़ाबाद की जानिब से आलम इस्लाम के तमाम मुसलमानों को, हम अपने हमवतन भाइयों को, सभी धर्मों के मानने वालों को जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। अयोध्या वासियों के लिए हम लोगों ने पिछले 2-3 सालों से जिस तरह की मिसाल पेश की है, अगर पूरा देश या पूरी दुनिया इसको देखना चाहे तो एक नज़ीर है। पिछले इससे 2022 में दुर्गा पूजा का विसर्जन और जश्न नबी का जुलूस एक दिन था, हम लोगों ने मिलकर उसको एक साथ निपटाया। 2023 के जुलूस में गणपति विसर्जन का जुलूस और जश्न मिलादुन्नबी का जुलूस एक दिन में एक समय में था, उसको हम लोगों ने एक ही रोड पर दोनों जुलूस इतनी अच्छी तरह से निपटाया है कि वो अगर मिसाल पेश की जाए तो पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। अयोध्या से ये मैसेज जाना चाहिए। अयोध्या जनार्दन, खासतौर अयोध्या के जनता को जो है अपने तरफ से और अपनी टीम के तरफ से बधाई और शुभकामनाएँ देना चाहते हैं। और जिस तरह का माहौल आप लोग देख ही रहे हैं कि कितना अमन और शांति से हो गया, ये हमारी जन्ना जमदा की तहजीब है अयोध्या की, कि आप खुद ही देख रहे हैं कि किस तरह से जो है आराम से और शांतिपूर्वक जो है सारे त्यौहारों को निपटाया जा रहा है। अब जैसे कि कल भंडारा था, आज जुलूस है और सब बहुत आराम से और शांति से हो गया। मैं अपने जैसे एक मैसेज जाता है और अपने तमाम जो लोग आते हैं दूर दूर से लोग और सर समाज के लोग आते हैं और प्रसाद को ग्रहण करते हैं और खाते पीते हैं और फिर चले जाते हैं रोशनी को घूम के और देखते हुए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद उज्मी सिद्दीकी है।